की संख्या 20 पहुंच चुकी है दिल्ली में। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 12 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें दिल्ली में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 20 मरीज सामने आ चुके हैं और देश में ओमिक्रॉन से कुल मरीजों की संख्या 97 पहुंच चुकी है। तेजी से ओमिक्रॉन का ये वेरिएंट पैर पसार रहा है। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच लापरवाही लोग बरत रहे हैं, तो ये स्थितियां हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में पूरी तरीके से सख्ती बढ़ा दी गई है। क्या दिल्ली, क्या उत्तर प्रदेश, हर एक राज्य में लगातार सख्ती बढ़ने का सिलसिला जारी है। हालांकि 11 राज्यों की चपेट में ओमिक्रॉन आ चुका है। ओमिक्रॉन के वेरिएंट लगातार बढ़ रही हैं। दिसंबर के महीने की है, आपको अलग अलग राज्यों के अपडेट दे देते हैं। महाराष्ट्र में 32 केस है, राजस्थान में 17 और दिल्ली में 20, क्योंकि आज ही 10 मामले आ गए हैं। गुजरात में 5 और कर्नाटक में 8 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के बाद अब दूसरे नंबर पर दिल्ली पहुंच चुका है। तेलंगाना में 6 और केरल में 5 के साथ ही आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो 1 मामला ओमिक्रॉन का, चंडीगढ़ में भी 1 और पश्चिम बंगाल में भी 7 साल के बच्चे में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया जा चुका है। तो ऐसे में सबसे पहले पायदान पर महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली है। मुंबई में धारा 144 31 दिसंबर तक लग चुकी है, जिसमें ये नियम रखे गए हैं, सोसाइटी की टेरिस या बीच पर पार्टी की इजाजत नहीं है मुंबई में। आपको ये भी जानकारी दे दे कि किसी इवेंट या प्रोग्राम में वेन्यू की क्षमता के 50% लोगों को इजाजत दी गई है। एक बार फिर से वो दोबारा नियम लागू हो रही है जो पहले सेकंड और फर्स्ट वेव में थे। दोनों वैक्सीन लगी है तभी इवेंट या प्रोग्राम में जाने की इजाजत है। अगर आप डबल वैक्सीनेटेड हैं तो ही आप प्रोग्राम या इवेंट में जा सकती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें डबल डोज वालों को ही मॉल या दुकान में घुसने की इजाजत दी गई है। ये नियम लागू किए गए हैं महाराष्ट्र में सरकार की तरफ से, क्योंकि बहुत जरूरी है सतर्कता। डबल डोज वाले ही कर पाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी वही सफर कर पाएंगे जिन्होंने डबल डोज लगा ली है। साथ ही महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए भी टीकाकरण जरूरी है, वो भी डबल डोज वाले होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उनके लिए एक विकल्प है। विकल्प ये है कि टीका नहीं लगा तो 72 घंटे पहले की नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर आप नेगेटिव हैं तो आपको इजाजत मिल जाएगी आप प्रवेश की। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। अगर नियमों का उल्लंघन कोई करता पाया गया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ओमिक्रॉन के लक्षण आपको बता देते हैं, ये बिना लक्षण वालों मरीजों में भी उपलब्ध है। मांसपेशियों में दर्द, 1-2 दिन के लिए थकान होना, ये ओमिक्रॉन के लक्षण हैं जो शुरुआती तौर पर सामने आए हैं। अभी ये शुरुआती तौर पर, अभी इस पर वैज्ञानिक काम कर रही हैं। गले में दर्द, सिर दर्द, सांस लेने में समस्या, सीने में दर्द, ये सभी ऐसे लक्षण हैं जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आपके अंदर है बता सकते हैं। तो फिलहाल उज्जवल कुमार, संदीप गोयल संवाददाता इस वक्त मेरे साथ दिल्ली और फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। उज्जवल, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। दिल्ली में अपडेट यह है कि 10 आज ही के दिन संक्रमण सामने आए हैं, ऐसे में दिल्ली सरकार की व्यवस्थाएं कैसी हैं और जो 10 संक्रमित मिले हैं वो कहां कहां से आए थे, क्या रिकॉर्ड है? बिल्कुल ठीक ममता, देखिए अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब हम ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या की बात करेंगे तो यकीनन वो एक दिन में अब डबल हो चुकी है। जहां देखें अगर कल तक की हम बात करेंगे तो 10 ओमिक्रॉन के मरीज पाए गए थे, लेकिन अगर आज की बात करेंगे तो आज जो संख्या है वो डबल हो चुकी है, 20 हो चुके हैं। हालांकि देखिए राहत भरी खबर ये जरूर है कि 20 में से तकरीबन जो 10 मरीज है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। लेकिन देखिए दिल्ली में अगर हम बात करेंगे, दिल्ली का अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करेंगे तो देखिए दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो भी बड़ी तेजी से फैल रहे हैं, क्योंकि लगभग 4 महीने का रिकॉर्ड जो है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में टूट चुका है, क्योंकि बीते 24 घंटे में तकरीबन देखिए 85 जो है वो कोरोना संक्रमण के मरीज पाए गए हैं। इससे पहले की अगर हम बात करेंगे तो वो 1 अगस्त को इतने मरीज पाए गए थे, लेकिन अगर उस वक्त हम टेस्ट सैंपलिंग रेट की बात करेंगे तो तकरीबन देखिए 72,000 टेस्ट हुए थे 1 अगस्त को, जिसमें से तकरीबन 85 लोग जो हैं वो संक्रमित पाए गए थे। लेकिन अगर हम बीते 24 घंटे में जो टेस्ट हुए हैं उसमें तकरीबन देखिए 52,000 टेस्ट किए गए, जिसमें से 85 मरीज जो हैं वो सतर्कता की बेहद जरूरत है। लौटूंगी आपके पास उज्जवल। संदीप गोयल इस वक्त फरीदाबाद से संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप, हरियाणा सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि दिल्ली तक पहुंच चुका है वायरस और एनसीआर में भी दस्तक दे सकता है अगर ये संक्रमण इस तरीके से फैला, लेकिन इंतजाम क्या है? देखिए बिल्कुल ममता, फरीदाबाद में अगर मैं जिक्र करता हूं तो यहां पर हालांकि अभी ओमिक्रॉन का हरियाणा में कोई मामला सामने नहीं आया, फरीदाबाद में अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन कोरोना के केस फिर से जो है कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से
पिछले कुछ दिनों के अगर जिक्र करता हूं तो पहले जीरो कोरोना के जो मामले सामने आए थे, लेकिन कुछ दिनों से लगातार ये मामले जो है 4 से लेकर 10 हो जा रहे हैं या 7 हो जा रहे हैं, तो ये जो है मामले दोबारा से बढ़ते नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर लोग कहीं ना कहीं लापरवाही भी बरत रहे हैं। बाजारों में अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो बाजारों की तस्वीर देखिए, यहाँ पर बहुत लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो बिगर मास्क के आपको नजर आएंगे और ये कहीं ना कहीं लापरवाही लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत आने वाले समय में ना बन जाए, तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो है तैयार है और जो प्रशासन है उसकी ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि 29 लाख से अधिक जो है फरीदाबाद के अंदर लोगों को वैक्सीनेट करने का काम किया गया है। मॉलों के अंदर जो लोग जाते हैं उनको सैनिटाइज वगैरह कराने के बाद ही, मास्क लगाने के बाद ही अंदर जो है जाने दिया जाता है, इन बातों का जिक्र किया जा रहा है। और हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य जो मंत्री हैं उन्होंने जो अधिकारियों के साथ बैठक ली थी उसमें निर्देश दिए थे कि कोई भी जो धरना प्रदर्शन जो है ना होने दीजिए जाए और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वहां पर धारा 144 लगाकर उन लोगों को जो है चालान उनके काटे जाए। पुलिस को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि चालान जिस तरह से पहली प्रक्रिया की जा रही थी उसी की तरह से जो है चालान की प्रक्रिया तेज की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, तो तमाम चीजों को लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारियों को निर्देश स्वास्थ्य मंत्री की ओर से दिए गए हैं। लेकिन बाजारों में अभी कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही है, जो कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही है और उसी की कहीं ना कहीं खामियाजा लोगों को आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। चलिए संदीप लौटूंगी आपके पास, उमेश मिश्रा संवाददाता लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, लखनऊ में क्या इंतजाम है खासकर ओमिक्रॉन को लेकर, क्योंकि ये संक्रमण थोड़ा अलग है, इसकी टेस्टिंग की प्रक्रिया अलग है और इसके सिम्टम्स भी कुछ अलग नजर आ रहे हैं और ये स्प्रेड आउट बहुत जल्दी हो रहा है, ऐसे में सरकार की तैयारियों की बात करिए। देखिए ममता, बिल्कुल ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरह से सरकार पूरी तरह से, हालांकि उत्तर प्रदेश की भी अलर्ट है और तमाम जगह पे व्यवस्थाओं को मुख्य रूप देने के निर्देश दिए गए हैं कि अगर इस तरह के मरीज मिलते हैं तो उनका किस तरह से समुचित इलाज हो। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को भी मुख्यमंत्री की तरफ से अलर्ट के निर्देश है कि अगर इस तरह के किसी के अंदर सिम्टम दिखते हैं, इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो उनके लिए जिलों पे और तहसील स्तर पे भी व्यवस्था को मूर्त रूप दिया जाए, ताकि अगर जो भी कुछ इस तरह के मरीज सूचना मिलती है या देखे जाते हैं या लक्षण पाए जाएं तो उनके लिए जो स्वास्थ्य विभाग के तरफ से जो तैयारियां हैं वो लगभग लगभग मुकम्मल हैं। हालांकि इसको लेकर एहतियात के अभी कोई उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पे जो निर्देश है उसका असर पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, लोग अभी भी थोड़ी बहुत लापरवाही कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से जो ओमिक्रॉन है उसके जो लक्षण है लोगों के, जो मरीजों की अगर संख्या देखी जाए तो अब कहीं ना कहीं प्रदेश में, हर प्रदेश में एक दो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को एहतियात बरतना पड़ेगा।